So, all right, hey guys, what's up everybody, my name is Aryan and you are watching your own channel. So guys, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले बेसिकली ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच. ठीक है, आई एम खुद परसिंग बीटेक इन बायोटेक फ्रॉम NSUT, तो मेरे से बेटर इस ब्रांच के बारे में और कौन ही बता सकता है. तो गाइज, लोग इस ब्रांच को बेसिकली लोअर ब्रांच में कंसिडर करके चलते हैं. सबका अपना अपना थिंकिंग है, बट मेरा ये मानना है कि कोई भी ब्रांच लोअर या अपर नहीं होती. जिस भी फील्ड में अगर आपको जाना है तो वो ब्रांच आपके लिए बेस्ट रहने वाली है. बट हाँ, ये एक हार्श रियलिटी है कि अगर आप JEE का पेपर दे के आ रहे हो, आपने 11th 12th में PCM विद CS पढ़ी है, तो आप यही टारगेट करते हो कि आपको इंजीनियरिंग किसी बेस्ट कॉलेज में विद CSIT ब्रांच मिले. ये तो हार्श रियलिटी है. बट हाँ, बायोटेक भी काफ़ी अच्छी ब्रांच है, काफ़ी बूमिंग ब्रांच है. ठीक है, तो इसके बारे में आज हम जितने भी डाउट्स हैं आपके, कॉमन डाउट्स, वो सब क्लियर करने वाले हैं. बेसिकली सबसे ज़्यादा कॉमन डाउट तो ये रहता है कि अगर आपको किसी टॉप कॉलेज में, फॉर एग्जांपल IIT या DTU NSUT में बायोटेक मिल रही है, वहीं पर आपको किसी प्राइवेट या IPU जैसे कॉलेज में CSIT मिल रही है, तो आपको किसे प्रेफर करना चाहिए, कहाँ पर आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी, फ्री टाइम आपको कहाँ देखने को ज़्यादा मिलेगा. ठीक है, तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं कि अगर आपने किसी बायोटेक में, मान लो NSUT में आपने एडमिशन ले लिया, तो क्या आपकी ब्रांच अपग्रेडेशन हो सकती है या नहीं हो सकती, आपके जो हायर एजुकेशन है, मतलब कि जो आप आगे, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, तो उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज रहने वाली है, सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले. इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना. ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो चलिए एक बात कर लेते हैं, कौन से कॉलेजेस में बीटेक एंड बायोटेक हमारा ऑफर किया जाता है. देखो, सारे कॉलेजेस में तो नहीं, बट हाँ, सम IITs, सम गवर्नमेंट कॉलेजेस, सम प्राइवेट कॉलेजेस. तो जैसे IITs में तो IIT दिल्ली में हमें देखने को मिल जाएगा, IIT हैदराबाद में, IIT खड़गपुर में. गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, कुछ टॉप कॉलेजेस जैसे NIT राउरकेला, आपका DTU NSUT. प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात करें तो VIT वेल्लोर. तो देखो, सब कॉलेजेस में तो नहीं ऑफर किया जाता, बट हाँ, काफी कॉलेजेस में किया भी जाता है. तो चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं कोर्स करिकुलम की. देखो, सब कॉलेजेस के मोस्टली 90% सेम ही होते हैं, 10% थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं. तो मैं आपको NSUT का बताऊंगा, तो सब कॉलेजेस का लगभग सेम ही होगा. देखो, फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में हमारा कोर्स बिल्कुल सेम होता है, मतलब सारी ब्रांचेस का कोर्स बेसिकली सेम होता है. जो हमें CSIT को पढ़ाया जाता है, वही बायोटेक को भी पढ़ाया जाता है. सेकेंड ईयर से हमारा थोड़ा चेंज होने लगता है. सेकेंड ईयर में आप कोर में चले जाते हो, CS के अलग सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, आपके अलग सब्जेक्ट्स हो जाते हैं. देखो, सब्जेक्ट्स आपको जैसे बता दूं, सेल बायोलॉजी हो गया, इम्यूनोलॉजी हो गया, आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, आपका केमिकल इंजीनियरिंग हो गया. देन आपको एक DSA सब्जेक्ट होता है, वो भी पढ़ाया जाता है. ऐसा नहीं आपको सारा ही बायोटेक पढ़ा रहे हैं, आपको थोड़ा कंप्यूटर से भी पकड़ के रखेंगे. थर्ड ईयर में अगर आप आते हो तो आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ाया जाता है, आपको बायो प्रोसेसिंग पढ़ाया जाता है, आपको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पढ़ाया जाता है, आपको रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी पढ़ाया जाता है. तो ये तो आप बिल्कुल कोर में चले गए. फिर जब आप फोर्थ ईयर में आते हैं, फोर्थ ईयर में आपके बेसिकली प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपको मेजर माइनर प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है, एक साल रिसर्च पेपर बेसिकली निकालना होता है. तो हर कॉलेज टू कॉलेज वो वेरी करता है. अगर हम फ्री टाइम की बात करें तो आपको, देखो मैं अगर बताऊं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, तो आपको फ्री टाइम इस ब्रांच में काफ़ी मिल जाता है. क्योंकि हम अगर बाकी ब्रांचेस की बात करें, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ता है. ठीक है, और कॉलेज भी काफ़ी इन ब्रांचेस को लेकर स्ट्रिक्ट होते हैं. बायोटेक में क्या है ना, आपको रटने का काम ज़्यादा करना है. आपको बाकी ब्रांचेस में आपका थोड़ा मैथमेटिकल काम होगा, इसमें आपका थोड़ा थ्योरेटिकल होगा. तो इसलिए थोड़ा आपको चीज़ें, मतलब मेमोराइज अगर आप अच्छे से करते हो, तो ये ब्रांच आपके लिए बेस्ट रहने वाली है. तो चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं हायर स्टडीज़ की. तो बीटेक इन बायोटेक करके हायर स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप बायोटेक के कोर में जाना चाहते हो तो. क्योंकि देखो, ये ब्रांच काफ़ी ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड है, आपको और स्टडीज़ की नीड पड़ेगी. बीटेक इन बायोटेक करके आपको उतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो काफ़ी लोअर एंड पे मिलेगी. ठीक है, अगर आपको इसमें आगे जाना है तो आपको MTech या PhD करना पड़ेगा. देखो, MS तो हमेशा आपकी प्रायोरिटी, आपका फर्स्ट ऑप्शन रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया में उतना स्कोप नहीं है. बट अगर आप बाहर जाओगे तो बाहर काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इस बायोटेक को लेके. और सेकेंड ऑप्शन है आपका गेट एग्ज़ाम देके आप
आईआईटी जैसे कॉलेजेस से अपनी एमटेक कर सकते हैं और गेट देने के और भी बेनिफिट्स है वो आपको आने वाली वीडियोस में देखने को मिलेंगे। तो गाइस हर कोई बीटेक या इंजीनियरिंग क्यों करता है? ताकि वो एक अच्छी जॉब सिक्योर कर सके, एक अच्छी फ्यूचर सिक्योर कर सके। अब देखो तुमने अगर बीटेक इन बायोटेक लिया है तो सबने तो बाय चॉइस लिया नहीं होगा, सिर्फ 10% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बीटेक इन बायोटेक बाय चॉइस लिया, तो उनका तो सॉर्टेड है। देखो क्या है ना, उनके लिए देखो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी कॉलेज में तो नहीं आती, बट हाँ उन्हें हायर स्टडीज करनी पड़ेगी, उन्हें ऑफ कैंपस अप्लाई करना पड़ेगा, तो उनका फ्यूचर भी सिक्योर्ड है। बट 90% लोग जिनका इसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं ताकि उनको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो मतलब बाकी CSIT वालों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो उन्हें भी मिले। देखो सबसे पहले बात कर ले टेक की, कोडिंग की, तो आप कोडिंग कर सकते हैं, इसमें फ्री टाइम तो बेसिकली मिलता ही है। बाकी प्लेसमेंट के लिए अगर आप बैठ रहे हैं बाकी बच्चों के साथ, तो ऑब्वियसली कंपटीशन काफ़ी हाई रहने वाला है। काफ़ी कंपनीज तो ऐसी होंगी जो आपको अलाउ भी नहीं करेगी बैठने के लिए, और जो अलाउ करेंगी उनके लिए लाइक कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होगा, वो आगे भी आपको रिजेक्ट कर सकते हैं बाय ब्रांच। बट काफ़ी कंपनीज होंगी जो आपको अलाउ भी करेंगी, तो समझ रहे हो लाइक आपके पास चांस कम होगा, तो आपको मेहनत, आपको हार्डवर्क, आपको स्मार्ट वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। और नॉन टेक की बात करें तो नॉन टेक में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कंपनी आती है आपको अलाउ करेगी, आपको बस क्या करना है, आपको अपनी CGPA अच्छे से मेंटेन करके चलनी है। और जो कोडिंग करने वाले बच्चे उन्हें कोडिंग करनी पड़ेगी, आप समझ रहे हो आपका जो कॉम्पिटिशन है CSIT वालों के साथ है, तो इसलिए आपको अपना 100% दे के चलना पड़ेगा। आपको दोनों चीज़ें संभालनी पड़ेंगी, एक तो बायोटेक और साथ में CSIT ब्रांचेस भी, तो इसलिए काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लें। चलिए गाइस ये तो हुई प्लेसमेंट की बात, और इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर भी होती हैं कि आपको कॉलेज को प्रेफरेंस देने चाहिए या फिर ब्रांच को। देखो मैंने तो कॉलेज को प्रेफरेंस दी, इसका रीज़न ये था कि यहाँ पे आपको काफ़ी एक्सपोजर देखने को मिलता है कंपैरेटिव टू Tier 2 एंड Tier 3 कॉलेज। अगर आपका इंटरेस्ट ही CSIT में, अगर आपको फ्यूचर ही अपना कोडिंग में बनाना है, तो आई वुड प्रेफर कि आपको जिस बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में आपको CSIT मिल रही है ना, आप वो ले लो। फिर आप ये मत देखो कि कौन सा कॉलेज मिल रहा है, क्योंकि आपको फ्यूचर ही उसमें बनाना है। अगर देखो आप यहाँ पे आ रहे हो, आपने सोचा कि आपका अपना टेक में फ्यूचर बनाना है, मतलब बनाना ही उसमें, तो आपको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको CSIT पे भी ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपनी बायोटेक पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए आई वुड प्रेफर जो आपका इंटरेस्ट अगर है ही CSIT में, तो आपको वहाँ जाना चाहिए। अगर आप कन्फ्यूज्ड हैं, आपको सिर्फ एक्सप्लोर करना है, तो आपको बेस्ट कॉलेज में जाना चाहिए। तो ये तो हो गया मेरा सजेशन। अब बात कर लेते हैं ब्रांच अपग्रेडेशन की। तो देखो ब्रांच अपग्रेडेशन मेरे कॉलेज की अगर बात करूँ, तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि आपकी ब्रांच अपग्रेडेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी सिर्फ JEE की रैंक के बेसिस पे होती है। बट वहीं अगर आप IITs या NITs में जाओगे, तो वहाँ पे आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स के बेसिस पे होती है। लाइक अगर आप टॉप 5 बच्चों में आ रहे हो या फिर टॉप 3 स्टूडेंट्स में आ रहे हो, तो आपकी ब्रांच अपग्रेडेशन वो लोग कर देते हैं। बट मेरे कॉलेज में या DTU में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आपका फर्स्ट सेम के बाद ब्रांच अपग्रेडेशन होती तो है, बट वो JEE रैंक पे होती है। तो वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, वो आपको देखना पड़ेगा एडमिशन लेने से पहले, ठीक है। तो यही था। देखो अब एक ऑप्शन लास्ट, एक और चॉइस आती है कि अगर आपको मैकेनिकल भी मिल रही है और आपको बायोटेक भी मिल रही है, हो देखो कंसिडर तो लोग दोनों को लोअर ब्रांच में करते हैं, तो आपको कौन सी प्रेफर करनी चाहिए? फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अब मेरे को क्या है ना, थोड़ा लाइक फिजिक्स में इंटरेस्ट कम है, मैकेनिक्स में इंटरेस्ट कम है, तो मैंने इसलिए बायोटेक को प्रेफरेंस दी है, क्योंकि मेरी मेमोराइजिंग पावर काफ़ी सही है। तो इसलिए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आप अपना सोचो फिर डिसीजन लेना। बाकी कोई भी डाउट आता है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टा हैंडल में अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ऐसी आपको और ब्रांचेस के बारे में बताएंगे आने वाली वीडियो में। टिल देन बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।